तीन दिन से ज्यादा हो गए हैं जिसको सदी का सबसे भयावह रेल हादसा कहा जा रहा है, और आज भी सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ बोलने से पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखने जरूरी है, और क्या कोशिशें चल रही हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए। भारतीय रेल रोजाना करीब 2,20,00,000 लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी इस देश की रेल पटरियों पर रोज होती है। पर ऐसे लोगों के सफर की सुरक्षा की चिंता करने के बजाय आज सरकार क्या कर रही है? कहानियां गढ़ रही है, साजिश रचने की थ्योरियां बता रही है, एक इंद्रजाल बनाने की कोशिश की जा रही है। 288 लोग, मतलब 300 करीब लोगों की जान चली गई है, और आज भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और रेल से कौन सफर करता है? रेल से इस देश का आम आदमी सफर करता है। तो जब कल हम और आप या आपके परिजन, आपका परिवार, आपके मित्र, इस देश के लोग जब रेलगाड़ी में बैठेंगे तो यह याद रखिएगा, आप ये सफर अपने रिस्क पर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है।